संडे को जब हम मॉल पहुंचे तो देखा कि क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है। जिसमें कि हैंडमेड कैंडल्स और हॉट वाइन यहाँ पर काफ़ी फेमस है। और उससे 2 घंटे पहले जब हम घर पर थे, सुबह उठे तो देखा कि रात में स्नोफॉल हुआ है और कुछ ऐसा नज़ारा था बेल्कनी से। फिर हम निकले ब्लैक फ्राइडे पर अपने नए घर के लिए शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पर काफ़ी कॉमन है कि हम फोरकास्ट वेदर फोरकास्ट देखकर ही घर से निकलते हैं, और हमने देखा था कि स्नोफॉल होने वाला है, तो मैंने सैटरडे को ही कार के टायर्स चेंज कराए थे और विंटर टायर्स लगवा लिए थे। और स्नो क्लीन करने के लिए भी कुछ स्पेशल औजार खरीद लिया था। और ये हमारी कार, और रात में जो स्नोफॉल हुआ था वो ज़्यादा हैवी नहीं था, तो इसलिए आसानी से साफ़ हो सकती है। और हमने ये कार कोरोना के टाइम पर ही ली है, इसलिए लास्ट विंटर हमारे पास कोई कार नहीं थी, तो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस। और जब विंटर में टेम्परेचर -30 तक जाता है तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है, तब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है स्नो को क्लीन करने में। अब हम रेडी हैं शॉपिंग सेंटर जाने के लिए। Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you जैसा कि सबसे पहला काम होता है नए घर के लिए फर्नीचर खरीदना, तो वो ही करने जा रहे हैं हम आज। और यहाँ पर कार में आपको पेट्रोल भी खुद ही फिल करना होता है। तो ये है वो स्टोर जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल है ब्लैक फ्राइडे की, जो कि हमने पहले ही ऑनलाइन चेक कर लिया था। और ये बैनर्स आपको कुछ अजीब लग रहे होंगे क्योंकि इसमें सब कुछ फिनिश में लिखा हुआ है। ये एक सोफ़ा 3,225 यूरो का, जो कि लगभग 2.5 लाख रुपए होते हैं इंडियन रुपीज़ में, और ये 60% डिस्काउंट के बाद का प्राइस है। और क्योंकि कोरोना के केसेस यहाँ पर भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो स्टोर की एंट्री पर ही सैनिटाइज़र और मास्क अवेलेबल हैं। और
और आज का हमारा प्लान है डाइनिंग टेबल और सोफा फाइनल करने का, तो देखते हैं। सभी जगह 60% के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी प्राइस काफ़ी हाई हैं। एंड देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स लाइक मेड इन फिनलैंड एंड मेड इन नॉर्वे एंड डिफरेंट कंट्रीज। और यहाँ के जितने भी लोकल ब्रांड्स हैं उनका प्राइस सबसे हाई होता है। दिस इज मेड इन नॉर्वे। और ये है वो डाइनिंग टेबल जो हमने सेलेक्ट की है, लेकिन इसमें कुछ कस्टमाइजेशंस कराने हैं, तो उसके बाद देखते हैं क्या प्राइस होता है और सारी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। जैसे कि हमें ब्लैक की जगह वाइट लेग्स चाहिए, और सोफ़ा हमें कोई पसंद आया नहीं है, और या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी कॉस्टली है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा स्टोर एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या प्राइस डिफरेंसेस हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।